फिर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी नगरी निकाय के परिजन अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर 21 जुलाई 2021 तक लगातार 58 दिनों तक धरना प्रदर्शन करने के पश्चात सरकार की ओर से अनुकंपा संघ के पक्ष पर मुख्यमंत्री के द्वारा कमेटी गठित कर एक माह के अंदर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई, पर अब तक गठित कमेटी से कोई रिपोर्ट नहीं दिए जाने पर नाराज होकर अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे एवं प्रदेश संगठन के पदाधिकारी एवं प्रदेश भर के पूरे अलग अलग जिलों के अनुकंपा पीड़ित परिवार द्वारा आगामी 5 दिसंबर तक अपनी मांगों को पूर्ण नहीं होने पर 6 दिसंबर से अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरने स्थल पर पुनः धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 21 जुलाई से बूढ़ा तालाब में धरना पे बैठे थे और 58 दिन संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वरिष्ठ अधिकारी एक महीने में अनुकंपा नियुक्ति का निराकरण करके मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं मिला है। हम बार बार में जाके वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और अपने प्रकरण को जानने की कोशिश की। ACS मैम, पिल्लई मैम से हमने अपनी प्रकरण को जानने की कोशिश की तो उनका सिर्फ एक ही जवाब मिला कि आप लोगों का जो प्रकरण है उसमें देरी लगेगी, सरकारी काम है और सब नियम के तहत होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए कोई नियम लगता है? अगर अनुकंपा नियुक्ति सभी विभागों में जब दी जा रही है तो हम लोगों के लिए क्यों नियम बताया जा रहा है, हमको क्यों घुमाया जा रहा है, हमारा निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा? अगर हमारा निराकरण 5 दिसंबर तक नहीं किया गया तो 6 दिसंबर से फिर से पूरी विधवाएं महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए बूढ़ा तालाब में बैठेंगी। और शासन और प्रशासन दोनों को मैं चेतावनी देती हूं, अगर हमारी अनुकंपा नियुक्ति की मांग नहीं की गई तो हम लोगों के लिए बड़ा आंदोलन होगा। माधुरी मृगे, प्रदेश अध्यक्ष, जिला राजनांदगांव,